किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, ये जो हमारा भिंडी का खेत है, ये एक महीने का प्लांट हो चुका है हमारा भिंडी का, और इसमें कहीं कहीं जो है वो वायरस का अटैक हुआ है। थ्रेप्स माइट्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं, यानी जो इसकी पत्तियां हैं ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो इस पर थ्रेप्स का अटैक हो चुका है। किसान भाइयों, अगस्त का महीना चल रहा है और ये बारिश का मौसम होता है, बारिश पड़ती रहती है, तो इसमें खरपतवार निकालना हाथ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग अपने खेत में किसी अच्छी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर खेत में घास वगैरह नहीं रहेगी तो आपका जो खेत है, आपकी जो फसल है, वो काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी वायरस का अटैक भी कम होगा। किसान भाइयों, मेरी जो भिंडी की फसल में वायरस का अटैक हुआ है, इसका बेस्ट इलाज आपको बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये सिजेंटा कंपनी का पेगासस है और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। किसान भाइयों, इसका जो कंटेंट है वो डाइफेनथ्यूरान 50% डब्लू फॉर्म में आपको मिल जाता है। किसान भाई, उसका जो 25 ग्राम का पैकेट है वो आपको 100 रुपये में आपके लोकल मार्केट में बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। किसान भाइयों, इसकी जो डोज है वो 25 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से है, और जो हमारी ये टंकी है 15 लीटर की है और ये 25 ग्राम का पाउच है, तो हम इसको इसमें डाल के और इसका स्प्रे करने वाले हैं। किसान भाई, इसमें पानी डाल के और आप लोगों को अच्छी तरह से मिला लेना होता, ताकि जो दवाइयाँ हैं पूरी तरह पानी में मिक्स हो जाएँ। इसी प्रकार से आप अपने खेत में इसका स्प्रे कर देंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, और इसमें अनेक प्रकार के जो कीट पतंगे लगते हैं, रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं, वो नहीं लगेंगे। और आप इसका शेड्यूल बना के चलिए कि आप 10-15 दिन में एक बार इसका स्प्रे कर दिया करेंगे, तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस है, ये अधिकतर किसान भाई अपने खेत में इसका स्प्रे करते हैं, और इसका स्प्रे भिंडी की फसल में ही नहीं, अनेक प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों, वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर हमारी पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। किसान भाइयों, हमारे इस चैनल पर सब्जियों से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।